जय हिंद दोस्तों। कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधन किया और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ये है कि आज उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन जाहिर नहीं किया है, यानी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं अगर इसी तरह कोरोना के केसेस बढ़ते रहे। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही कि कोरोना केसेस अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज हो सकती है आने वाले 15-20 दिन के बाद, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात हो जाएगी। उन्होंने क्राउडिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी गैदरिंग हो रही है, चाहे वो मार्केट हो, ट्रेन्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, ऐसी अलग अलग जगह है जहाँ क्राउडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आप क्राउडेड प्लेसेस को, जहाँ ज़्यादा गर्दी है, ऐसी जगह को अवॉइड करें, ना जाए, घर पर रहे। अगर आपको कोई कुछ ज़रूरी काम नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहे, ऐसे बिन वजह ना घूमें, मास्क पहनने की उन्होंने अपील की है। तो कहीं ना कहीं सभी COVID-19 की गाइडलाइंस पालन करने का उन्होंने अपील किया है। लेकिन एक जो मेन शंका थी लोगों के दिल में कि क्या उद्धव ठाकरे जी आज लॉकडाउन जाहिर करेंगे, लॉकडाउन की घोषणा करेंगे, तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आज ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन लग सकता है अभी भी, केसेस अगर बढ़ते रहेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि केसेस बढ़ते रहेंगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और कोई दूसरा उपाय नहीं रहेगा लॉकडाउन के अलावा, तो लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो बातचीत करेंगे और ये भी उन्होंने इशारा दिया है कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि कंप्लीट लॉकडाउन ना लगे। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी जिक्र किया कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो हम उसके विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनको उद्धव ठाकरे जी ने एक संदेश दिया है कि आप ज़रूर रोड पर उतरिए, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए उतरिए, कोरोना को हराने के लिए आप रोड पर उतरिए। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए इस संबंध में कि किस तरीके से कोरोना को रोकने के लिए रोड पर उतरकर मदद की जा सकती है। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर में भी आज अपने संबोधन में कहा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि आप सब मेरे कुटुंब, मतलब आप सब मेरे परिवार हो, आपकी जिम्मेदारी मेरी है और आपके हित के लिए, यानी जनता के लिए, हित के लिए जो भी उचित निर्णय लगेगा वो लेंगे। उनका पूरा भाषण आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में भी उनके भाषण की वीडियो पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो फिलहाल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगने की संभावना ख़त्म नहीं हुई है, यानी लॉकडाउन लग सकता है आने वाले दिनों में। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, कि क्या लॉकडाउन लगता है कि नहीं कंप्लीट। आज फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं की है उद्धव ठाकरे जी ने। आप उनका पूरा भाषण कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं पोस्ट करूंगा आप वहां से देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।